कन्वीनर ऑल पार्टीज कश्मीर कोऑर्डिनेशन काउंसिल चौधरी सईद साहब, सईद चौधरी साहब, रजा साहब और बाकी यहाँ की मकामी क़यादत और हमारे लॉर्ड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अजीज दोस्तों बुजुर्गों साथियों अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बड़ी एक ख्वाहिश थी हमारे दरमियान कि हमारा चार साल पहले जो चार्टर ऑफ कश्मीर जो साइन हुआ था उसके अंदर उसका जो अमली जो आज नमूना हमने देखा है वो तो एक लोकल चार्टर ऑफ कश्मीर था, लेकिन आज हमारी क़यादत इकट्ठी होकर साबित किया है तो ये नुक्ता आगाज है। तो मैं पीएम साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसमें हमारी भी कोई कोताही ये थी कि मैंने और लाट साहब ने लेट डिसाइड किया है, क्योंकि हमने सिखों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे तो हमारे साथ कोई एग्जैक्ट जो डेट नज़र नहीं आ रही थी। फिर आखिर लाट साहब ने के मशरे से इस उस मीटिंग को इन्होंने चेयर किया, इन्होंने ये अनाउंस किया कि इसमें एग्जैक्ट डेट जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल डेट है वो 18 अप्रैल है। और आज आपने इंग्लिश मीडिया जो आपने पढ़ा होगा आपको पता है कि गार्डियन ने आपके हक में बहुत बड़ा फीचर छापा है और बीजेपी को और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को उसने बहुत फोकस किया है और आसफा बानो का जो रेप है उसके ऊपर पूरा गार्डियन ने एक पैराग्राफ लिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है कि आज इंटरनेशनल प्रेस में भी यहाँ छापा है। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेट्रोपोलिटन पुलिस है उसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मैं वहाँ पे 10 बजे वहाँ पर 10 बजे पहुँच गया तो हमारा जो स्क्वायर था जिसमें ना हमें भी परमिशन नहीं थी और किसी नो पार्टी हैड अ परमिशन फ्रॉम जीएलए ग्रेटर लंदन अथॉरिटी, लेकिन आरएडी मोदी स्पॉटर तकरीबन 2-2.5 पहुँच चुके थे वहाँ पे उनके हमारे से मोदी के जो है ना पोस्टर खाए हुए। और बस हमारा मतलब अल्लाह शोदार का खून की वजह से चला करनी हुई, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैं पहुंचा वहां पर तीन चार सिखों की कोच 10 बजे पहुंच गए, सिखों ने उनको कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया खालिस्तान कौंसिल ने। तो मैंने पुलिस से कहा कि इसे देखने कहते हैं कि यू डोंट हैव अ परमिशन तो आप जो आर्गू करते वो हो गए। तो बड़ी सख्ती से पुलिस और आपको पता है कि जो जीएलए की और पुलिस की आपस में बड़ी कन्फ्रंटेशन हुई, पुलिस ने हमें बड़ा हल किया। हमने कहा हम विक्टिम्स हैं ये ऑपरेसर है, लेकिन हाफ एन आवर हमें लग गया और हाफ एन आवर के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस, मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड साहब उनका स्पेशल शुक्रिया अदा करें क्योंकि उन्होंने जीएलए को भी कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा कि इनके 5-7 हजार बंदा आ रहा है तो बड़ी मुश्किल से उनको मूव किया और आपको पता है कि वो दूसरी साइड में उनको भेजा गया। फिर अचानक हमारी जो कोचें भी जो हमारी बर्मिंघम से जल्दी आ गई और खसूस स्कॉटलैंड के लोगों का मैं जिक्र करूंगा कि ग्लासगो से हमारी वहां से 5 से 6 कारें पीएम साहब रात को 12 बजे चली और सुबह 8 बजे पहुंचे। मैंने कहा 8 बजे तो ना नाश्ता कुछ नहीं है, तो मैंने क्रिटिकल रूट में हमारी एक कम्युनिटी है तारक डार साहब फोन किया कि लोग आए उनका नाश्ते का बंदोबस्त करें। तो हमारे यासर आलम साहब उन्होंने नाश्ते का तो वो भी हमें जो 15-20 अफराद हमें जल्दी मिल गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से हमारा सारा सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। हमने बहुत कोताही की, हम बहुत लेट से पहुंचे और मैं ये समझता हूँ कि लाट साहब, एमपी अफजल खान साहब, राज साहिबा, ये जो हमारे यहाँ की क़यादत है, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस को अगर आप उनके जो चीफ कॉन्स्टेबल है उनको शुक्रिया अदा करें, वो हमारे लिए बड़े हेल्पफुल रहे।